हाँ जी बच्चे, कल हमने सेट किए थे अपने रेफरेंसेस, मैंने दोबारा से आपको बताया था, ठीक है। और इसकी जो वीडियो है वो मैंने अपलोड भी कर दी हुई है अपने चैनल में, तो आप वहाँ पर जाकर उसको दोबारा से व्यू कर सकते हो। तो रेफरेंस हमने प्रॉपरली अपने मैच किए थे सारे के सारे, फ्रंट को टॉप के साथ, साइड के साथ, बैक के साथ, ठीक है। हर एक व्यू, हर एक रेफरेंस को दूसरे रेफरेंस के साथ हमने मैचअप किया था। तो आइए मॉडलिंग शुरू करते हैं। जैसे हमने पिछली बार जो टेक्निक इस्तेमाल की थी, वही टेक्निक हम इस बार भी इस्तेमाल करेंगे। तो आप टॉप व्यू रखें, ठीक है, इस साइड, और फ्रंट साइड रहने दें, और ग्रिड को ऑफ कर दें जी प्रेस करके। ये आपका लेफ्ट व्यू आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट व्यू, और ये आपका पर्सपेक्टिव व्यू रहेगा। और लेयर के अंदर मैंने अपने रेफरेंसेस जो थे वो ऐड किए थे, तो बैक व्यू को मैं अभी फ़िलहाल ऑफ कर देता हूँ, बैक व्यू मेरा विजिबल नहीं रहेगा। एक बार मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपने रेफरेंस ऐड करने हैं, तो इस ये जो व्यू क्यूब है इसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ बैक व्यू, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है बैक, तो अगर ये फ्रंट है ना, एक मिनट ज़रा ना, एक बॉक्स ऐड करके टेस्ट करते हैं क्या फ्रंट में मुझे वो दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए मुझे ना ये बॉक्स जो मैंने क्रिएट किया है, ये देखो मुझे दिखाई नहीं दे रहा फ्रंट व्यू में, ठीक है, फ्रंट व्यू में। उसका कारण ये है कि फ्रंट व्यू जो है, ये वाली जो इमेज है मेरी कार वाली इमेज प्लेन, ये रेफ इसके पीछे जो क्यूब है वो मेरा क्रिएट हो गया। लेयर्स में शायद मैंने ये ऐड किया हुआ है, अनफ्रीज कर दो, इसको सिलेक्ट किया, ये मेरी करंट करंट लेयर रहेगी, फ्रंट व्यू को सिलेक्ट किया, ठीक है। आप लेयर एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकते हो, और ये आपका जो सीन एक्सप्लोरर है, सेम चीज़ें दोनों। तो इसको मैं पीछे की तरफ मूव कर देता हूँ। अब देखो ये मैंने पीछे की तरफ मूव किया, तो इसलिए मुझे ये क्यूब है ये मुझे दिखाई देना शुरू हो गया, ठीक है, ये देखो। तो हम इसको थोड़ा सा और पीछे की तरफ ले जाते हैं, ये लेफ्ट व्यू है, तो लेफ्ट व्यू के पीछे भी ये कार थोड़ी और पीछे की तरफ जाएगी, टॉप व्यू भी आप थोड़ा और नीचे की तरफ ले जाओ, ठीक है। अब आता है बैक व्यू, तो बैक व्यू को व्यू किया, और ये मेरा बैक व्यू है, तो यानी कि ये सेंटर की ग्रिड से ये पीछे की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ये यहाँ पर, तो ये मेरा बैक व्यू हो गया, ठीक है। अगर मैं फ्रंट की जगह बैक व्यू को ऑन करूंगा, फ्रंट को मुझे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, ये देखो। तो इसलिए मुझे ये क्यूब जो है ये नजर आ रहा है। तो अभी मुझे बैक व्यू ऑफ करना है, बाकी सारे व्यूज जो हैं वो रखने हैं सेव। हम डिलीट कर देते हैं और अपनी लेयर को फ्रीज कर दो जहां पर ये मेरे व्यूज हैं, ठीक है, और इसको सेव करो। अब टॉप व्यू से आ रहा हूं, टॉप व्यू से सबसे पहले मैं प्लेन क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो मैं विंडशील्ड मॉडल करता हूं। आपने इसकी सेगमेंट्स है वो वन वन कर दे रही हैं, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिबल पॉली, और आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाओगे, और बाई लेयर को बाई ऑब्जेक्ट की तरफ कन्वर्ट कर दोगे, और शो फ्रोजन इन ग्रे को ऑफ कर दो, ठीक है,
और राइट क्लिक किया और फ्रीज सिलेक्शन कर दो यहाँ से, फ्रीज सिलेक्शन, ठीक है। अरे फ्री सिलेक्शन ही करना था, मैंने करना था, स्टेप था मेरा बाई ऑब्जेक्ट रख के ALT प्लस एक्स ताकि मैं इसका जो बैक व्यू है वो देख पाऊँ, ठीक है। ये था मेरा मेन जो अब ये मैंने टॉप व्यू से बनाया, तो बाकी जो व्यूज़ हैं जैसे लेफ्ट व्यू है तो वहाँ से इसको मैं सेट करूँगा अपने, ये इसको ना पीछे की तरफ लेकर आते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी। ये मेरा विंडशील्ड, आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स से शुरुआत करूंगा, सिर्फ विंडशील्ड बनाऊंगा अभी, बाकी धीरे धीरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम इसमें क्रिएट करेंगे। तो इसको भी हम यहाँ से टॉप टॉप की साइड रखेंगे, ये इसके साथ ये मैच किया और इसके साथ ये मैच कर रहा है, ये वाला हिस्सा ये मैच कर रहा है, ठीक है। और प्लेन लिया, ये फ्रंट व्यू से देखेंगे, प्रिसाइजली मैच करेंगे हम, ये आपका जो वर्टेक्स है वो इसके साथ मैच कर रहा है और ये वाला जो वर्टेक्स है वो इस तरीके से आपका आ रहा है, बाकी सारे ठीक है। चलिए एज लिया और एज को एक्सट्रूड करेंगे, शिफ्ट प्रेस किया और एक्स के साथ आगे एक्सपेंड किया और थोड़ा सा मैंने इस साइड रखा और फ्रंट से देखो थोड़ा सा ये टॉप की तरफ जाएगा इस तरफ, और आपने बिल्कुल सेंटर तक इसको लेकर आना है, ठीक है। पूरा सपोज करो कि ये मेरा सेंटर पॉइंट है, तो शिफ्ट ड्रैग ये सेंटर तक आ गया। तो अब हम इसमें इसका जो फ्लो है वो सेट करेंगे,
और ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं ये हमारे बिल्कुल जो कॉर्नर है, ये वाला, ये जो जा रही है हमारी रेफरेंस की जो लाइन जा रही है, हम उसके साथ उसको स्नैप कर देंगे। ये देखो, ये यहाँ पे स्नैप हो गया और इस साइड देखो ये मैच हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा टॉप से मिसअलाइन हो गया, तो आप इसको यहाँ पे रखिए, इसको बाकी एक सेगमेंट ऐड करके यहाँ से हम स्मूथ कर देंगे। जो वर्टेक्स है ये थोड़े से बाहर की तरफ हम लेकर आएंगे ताकि फ्लो हमारा एकदम स्मूथ हो सके। साइड से मैच करो, साइड से ये मैच हुआ और फ्रंट से भी मैच करेंगे हम। देखो फ्रंट से अगर मैं मैच करूँगा तो टॉप से वो अपने आप मैच हो जाएगा, क्योंकि हमारे रेफरेंसेस जो हैं वो प्रॉपर हमने मैच किए हुए हैं। अब फिर से एक्सट्रूड करेंगे, अब हम इसको पूरा एक्सट्रूड कर लेंगे और ये जो है इसके साथ मैच कराएंगे। थोड़ा सा हम इसको और आगे की तरफ ले जाते हैं और आप थोड़ी बहुत ही जो है वो रियल कार की इमेजेस ले सकते हो। अभी क्या है कि मेरे पास अभी टॉप व्यू नहीं है, होता तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरली समझ आता है। ओके ठीक है, यहाँ से लूप हमारा जा रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर अलाइन करना है और बाकी जो है जैसे जैसे हमारे वर्टेक्स हैं वैसे वैसे आप उनको मैच करवाइए। और जो हमारे सेगमेंट्स हैं ये प्रॉपरली सीधे होने चाहिए। जैसे ये देखो, यहाँ से ये वाला वर्टेक्स शुरू हुआ और ये वाली जो सेगमेंट है, जो लूप है, ये यहाँ से स्ट्रेट है पर यहाँ से ये थोड़ा सा अलग है, तो आप इसको भी स्ट्रेट कर दो। मतलब कोशिश आपकी स्ट्रेट रखने की होनी चाहिए और जो स्पेसिंग है जैसे कि वो भी आपकी ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि स्पेसिंग आपके सेगमेंट्स में बराबर हो।
जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो पॉलीगन है, ये वाला जो फेस है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इनको बराबर करने के लिए थोड़ा सा इनको आगे की तरफ मूव कर देता हूँ। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है कि स्पेसिंग जो है वो थोड़ा इवन हो, सेगमेंट्स आपके सीधे हों, क्योंकि हमारी ये जो मॉडलिंग है, ये ऑर्गेनिक मॉडलिंग इसको नहीं बोलते, इसको हम आर्किटेक्चर या ऑटोमोटिव मॉडलिंग बोला जाता है। इसलिए इसके जो सेगमेंट्स होते हैं वो स्ट्रेट ही रहते हैं, हमेशा फ्लो के साथ ही होंगे। और जितना बढ़िया आपका सेगमेंट्स का फ्लो होगा, इस जो इसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी, ठीक है, आपके सेगमेंट्स का जो फ्लो है उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। तो जितनी बढ़िया आपकी टोपोलॉजी होगी, उतना ही आपका जो मॉडल है वो देखने में अच्छा नज़र आएगा और टेक्सचर भी उसके ऊपर बढ़िया तरीके से प्रोजेक्ट होगा। अब जैसे ही आप थोड़ी बहुत भी सेटिंग करते हो, चेंजेस करते हो, तो आपने ये देखना है कि भाई आप यहाँ से देखो, मैंने वहाँ से टॉप व्यू से थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया था ये वाले वर्टेक्स, और फ्रंट व्यू से वो मिसमैच हो गए। अब फ्रंट व्यू से भी उनको दोबारा से अलाइन करेंगे इस तरह। और ये जो प्रोसेस है ये आपको बार बार करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी मूव करते हो अपने वर्टिसेस को, देखो वो तो मैच ही रहेंगे क्योंकि मैच किया था हमने। थोड़ा सा इसको भी आप इधर की तरफ ले लो। ये लेफ्ट व्यू आ गया। चलो जी, विंडशील्ड जो है ये मेरी बन चुकी है। बाकी मैं इसको बाद में आपको जब डिटेलिंग करूंगा इस ऑब्जेक्ट की तो आपको बताऊंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करके आगे की तरफ लेकर जाना चाहते हो या एक नया ऑब्जेक्ट छत के लिए बनाना चाहते हो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसी को एक्सट्रूड कर लेते हैं और उसको हम बाद में डिटैच कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक ऑब्जेक्ट जो सेपरेट है उसको हमें डिटैच करना ही करना है। तो हम एज लेते हैं और जो छत है उसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। और ये जो छत है, आई थिंक ये इसका हाफ पार्ट होगा। अगर आपको समझ में ना आए हाफ कि हाफ पार्ट किस तरफ जा रहा है, तो आप इसको इंस्टेंस में कन्वर्ट कर लो, मिरर कर लो। ठीक है, मिरर करके इंस्टेंस की कॉपी आप क्रिएट कर लो। एक्स एक्स की तरफ इंस्टेंस रहेगा, ओके कर दो। और इसको आप जितनी स्पेसिंग आपकी इस तरफ है, ठीक है, सेम आपने उस तरफ, थोड़ा सा ना इनका जो आउटलाइन है वो रेड कर देते हैं ताकि हमें क्लियरली समझ में आए कहाँ पर जा रहे हैं वर्टेक्स। इसको भी आप येलो या ग्रीन ले लो। वाली जो वर्टेक्स हैं थोड़ा आगे की तरफ और मूव होंगे थोड़ा सा, बस इसका सेंटर पॉइंट अपने आप को जनरेट कर लेगा। ये देखो, ये सेंटर पॉइंट अपने आप आ गया इसका। अब यहाँ पर स्पेसिंग कम होगी तो आप इसको भी इवन कर दो। हर एक पॉली का आपने ध्यान से देखना, और ये जो फ्लोर है थोड़ा सा इस तरफ जाएगा।
विंडशील्ड हमारी तैयार हो चुकी है। और ये वाले जो हमारे फेसेस हैं, देखो यहाँ पर क्या स्पेसिंग थोड़ा सा अभी भी इवन नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक सेगमेंट ऐड कर दो इस जगह पे, ठीक है, ताकि इवन हो जाएगा। तो अगर आप लो पॉली रखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, इसको वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और मूव किया नीचे की तरफ, इवन रहे। कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, हमेशा जो मॉडलिंग है वो पेशेंस रखने पड़ते हैं उसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे आएंगे, ठीक है, जो कि रूफ का पार्ट है, तो हम इसी को एक्सट्रूड कर लेते हैं। बाकी हमारी मर्जी है कि हम एक्सट्रूड करें या ना करें, या नया ऑब्जेक्ट बना लें छत के लिए। तो जो मुझे सूटेबल ज़्यादा लग रहा है कि मैं पहले इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ, और एक्सट्रूड करके मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ इसको मूव कर सकता हूँ, छत की तरफ आप मूव कर लें। टॉप व्यू पे आओ और शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, छत की तरफ थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट एनीवेज तो हम ऐसा करते हैं कि छत को सेपरेट कर लेते हैं, छत की मॉडलिंग अलग ही बनाते हैं। तो इसको आप डिलीट कर दो, ठीक है, ये फेसेस हमें नहीं चाहिए। तो बेटर रहेगा कि छत को हम सेपरेटली मॉडल करें। छत के लिए एक नया प्लेन क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसको आप यहाँ पे रख दो, जो उसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। सेगमेंट्स ऐड कर दो, कितनी है, 1, 2, 3 सेगमेंट्स हैं। हम अभी सिर्फ विड्थ सेगमेंट्स ऐड करेंगे, 3 सेगमेंट्स। राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू एडिटेबल, पॉली में कन्वर्ट किया। और ये ऑब्जेक्ट जो है ये मैंने टॉप से बनाया है, तो इसको अलाइन करूँगा मैं साइड से भी। तो लेफ्ट व्यू से आप इसको, इसकी जो प्रॉपर प्लेस है आप वहाँ पे रखें, ये आपके यहाँ पे टॉप पे आ गया। और फ्रंट साइड से देखें कहाँ पर ये लाइक कर रहे हैं, आएगा, ठीक है। और वर्टेक्स लिए ये वाले सेगमेंट्स, इनको हम थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर देंगे। ये वाले जो हैं इनको आप आगे की तरफ मूव कर लो, जैसा जैसा आपका रेफरेंस है, जैसे जैसे लाइन जा रही है वैसे वैसे हम उसको प्लेस करेंगे। थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है ये आपका आएगा इस तरफ, ठीक है, और ये वाला भी इस तरफ आएगा आपका। बाकी जो आपके वर्टेक्स हैं ये भी आगे की तरफ जाएंगे। फाइनल वाला है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा, इस साइड आएगा, ये भी यहाँ तक रहेगा, और ये वाला जो है इस तरफ आएगा।
स्ट्रेट कर देते हैं। अब एक स्नैपिंग होती है, वर्टेक्स स्नैपिंग, तो वो मैं इस्तेमाल करूँगा। तो आपने ये वाला बटन जो है स्नैप टॉगल, इसको ऑन करना है और राइट क्लिक करके आप यहाँ पर जो ऑप्शंस है कि किस किस चीज़ को आप स्नैप करना चाहते हो। तो मैं अभी सिर्फ वर्टेक्स को स्नैप करना चाहता हूँ, तो वर्टेक्स का टिक किया और इसको बंद किया। अभी मेरी स्नैपिंग ऑन है, तो इसको ड्रैग करके ये जो आप मेरा बटन है स्नैप का, उसके ऊपर स्नैप हो गया। ओके, अभी क्या है कि थोड़ा सा ना वो आउट ऑफ लाइन है, तो इसको तो हम, ये है मेरा सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसको ही स्नैप करना पड़ेगा। ऑन किया और ये स्नैपिंग यहाँ पे ऑन, बाकी इसको सिलेक्ट किया, इसको भी स्नैप ऑन कर दो, स्नैप हो गया। क्या कंस्ट्रेंट्स एज करने के साथ क्या होगा कि अगर आप एक्स की तरफ मूव करोगे तो वो उसका जो अपना एज है उसी तरफ वो मूव करेगा वर्टेक्स, ठीक है, वैसे नहीं इधर उधर नहीं मूव करेगा। तो ये बेनिफिट होता है कंस्ट्रेंट्स एज का। तो इसको थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स एज किया और अब नन कर दो, दोबारा से इसको सेट किया, कंस्ट्रेंट्स एज करो, नन करो अभी। बाकी हम अभी स्नैपिंग नहीं करते, इसकी एंगल स्नैप भी ऑफ करते हैं। बाकी हम फाइनल जब इसको डिटेल करेंगे, डिटेलिंग में इसको सही करेंगे, तो फॉर द टाइमिंग आप इसको ऐसे ही रहने दो। इसको सेट किया और ये शिफ्ट ड्रैग ऊपर की तरफ मूव करो थोड़ा सा, फिर शिफ्ट ड्रैग, शिफ्ट ड्रैग, शिफ्ट ड्रैग, ठीक है। कोशिश करनी कि इवनली स्पेसिंग रखे, ठीक है, शिफ्ट ड्रैग, हमारी छत जो है ये तैयार होगी। और फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट से मैच कर गई है, बिल्कुल मैच कर गई है। और कुछ चीज़ें जो हैं जो मैच नहीं कर पा रही, तो आप इसको यहाँ पर लेकर आओ और ये वाला जो हमारा सेगमेंट है उनको भी
तरफ डाउन करो। काफी हद तक सॉर्ट आउट हो चुका सब कुछ। इसको भी इंस्टेंस में कन्वर्ट कर दो, छत को मिरर इंस्टेंस। कौन सी डायरेक्शन को करना है? एक्स डायरेक्शन को ही करना है, एक्स को। तो एक्स मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके किया। तो और इसको मूव करके इसके बराबर ले आओ। अब टॉप पे जाके देखते हैं क्या वो मैच करता है आपस में। थोड़ा सा वो आउटलाइंड है आई थिंक ना। एक्सक्यूज मी बच्चे, मैं अभी आया। ठीक है, हाँ जी बच्चे, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट। ये हमारा अलाइंड है, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे है। तो ऐसा करते हैं कि इसको हल्का सा पीछे कर लो, और ये वाले जो वर्टेक्स हैं इनको भी आप स्ट्रेट कर लो। ठीक है, और ये आपका आएगा यहाँ पर, ये मैच कर गए। इसको भी आप थोड़ा सा अलग रख लो। अब नेक्स्ट जो ये पिलर है, अब वो क्रिएट करते हैं कार का। क्रिएट पैनल पे आइए, प्लेन लीजिए और टॉप से शुरू करते हैं हम। ठीक है, बोनट बनाते हैं, बोनट बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो बोनट बनाने के लिए ये मेरा, आप पूरा का पूरा चंक ले सकते हैं पॉली का। ठीक है, और उसको लेफ्ट व्यू से मैच करिए। आपका मैच किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट किया। अब फ्रंट व्यू देखेंगे, तो ये वाला जो वर्टेक्स है इसको मैच कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट है इसका, हम इसको यहाँ पे मैच करवाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर आ रही है चीज़, ये आ रही है यहाँ पर। यहाँ भी तकरीबन मैच हो चुका है। बस ठीक है, और ये वाला जो वर्टेक्स है ये भी नीचे की तरफ आएगा, तो आप इसको भी यहाँ तक रख लो इसको। ठीक है, बाद में इसको डिटेल करेंगे। ठीक है, बाकी इसके बराबर रख लो। और ये वाला जो है
ठीक है। एक और तरीका है, जैसे मान लो कि अगर आपसे मॉडल नहीं हो पा रहा, तो दूसरा तरीका मैं आपको ये बताता हूँ, जिससे इसको डिलीट करते हैं। तो आप सब लाइन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, शेप्स होती हैं, तो लाइन क्रिएट किया आपने और आप इसका आउटलाइन बना सकते हैं। जैसे कि इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, ये आउटलाइन बनाने से आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका ना एक केज तैयार हो जाएगा। इसको राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल, कन्वर्ट टू एडिटेबल सबलाइन में आपने कन्वर्ट कर देना है इसको, ठीक है। और राइट क्लिक करके आप इसको बीजियर में कन्वर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए। ये जो है आपका और ये जो लाइन है, जो स्प्लाइन है, उसको हम इसके साथ मैच करेंगे, ठीक है। और इसका भी सेंटर पिवट करेंगे, पिवट ऑनली सेंटर, पिवट सेंटर टू ऑब्जेक्ट, और अनटिक किया, यहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे। जहाँ जहाँ उसके रेफरेंस पॉइंट्स हैं, आप वहाँ पर उनको प्लेस कर देंगे। जैसे ये वर्टेक्स है, ये आपका आपका रेफरेंस पॉइंट आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कॉर्नर, तो आप यहाँ पे इसको प्लेस कर दो, यहाँ पर इसके साथ इसको मैच कर दो, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको रखते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका आएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, बचे क्लास खत्म हो गई है और अब आ रही हो
टाइम टेबल मैडम ने सेंड तो किया था आपको? अच्छा चलो कोई बात नहीं। और ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये आपके यहाँ पर आ जाएंगे, और ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट है ये आपका इस साइड आ जाएगा। ओके, असल में क्या है, ये फ्रंट साइड है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसअलाइंड है हमारा रेफरेंस। हाँ जी बच्चे क्या बोल रहे हो? मॉडलिंग शुरू करवाई ना, मॉडलिंग अभी मैंने मैंने कहा अभी मॉडलिंग शुरू करवाई है ना। हाँ तो वही कार ही है, वही कंटिन्यू कर रहे हैं दोबारा से जो रेफरेंस हमने सेट किए थे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम इसको ज़रूर लगता है मॉडलिंग करते करते, कई बार चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए। ओके, 3D में इसको देखते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर आया। अब एक और लाइन क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। वो लाइन हमारी रहेगी यहाँ से यहाँ, तो ये जो लाइंस मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट के लिए, ताकि मुझे आसानी हो अपने फ्लो को समझने के लिए। और ये टॉप व्यू से कहाँ पर बने हैं, ये आएगा आपका यहाँ पे फ्रंट से, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर अटैच होगा। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है आपका उसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी एक बेसिक शेप्स जो है वो बन रही है, अब फ्लो जो है वो समझ में आ रहा है कार का किस तरीके से बनेगा, तो उसी तरीके से हम अपने पॉलिश का फ्लो जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक, तो आगे फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।